जब जब हम किताब खोलते हैं तो उन मानी पर हम पर हमारी जो है वो नजर पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें फिर उन्हें याद करने के लिए कोई खास मशक्कत जो है, मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरी तो यही ख्वाहिश है और यही मशवरा है कि आप सब जो है पेंसिल के साथ जो है किताब पर मानी जो है वो लिख लीजिए। चलिए, तो मेरे पास जो उनवान मौजूद है सबक के लिए वो है नजरियाए पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के वजूद में आने के हवाले से जो ख्याल पेश नजर था वो क्या था, उसके बारे में यहाँ इस सबक में हम पढ़ेंगे। और इसको लिखा है गुलाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान ने। तो इसमें यकीनन एक बात जो मैं आपको वाजे कर दूं वो ये कि जब आप भी कोई काम करने लगते हैं, हाँ वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, तो उसके बारे में बाकायदा प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं और बल्कि कई दिनों तक सोचते हैं कि हमें ये काम इस तरतीब से करना चाहिए, इस तरह करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इस दिन करेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि हमारे पास उस दिन वक्त ज्यादा है और हम अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं सोच, हाँ वो आप तन्हाई में बैठ कर सोच रहे हो या काम के दौरान सोच रहे हैं, एक जहन में तसव्वुर सा चल रहा होता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान का वजूद में आना आप सबके सामने है और इस 1947 में ये सबके सामने नक्शे पे नमूदार हो गया, तो इस हवाले से आप ये सोचिए कि चूंकि एक बहुत बड़ा काम, बहुत रकबे के हवाले से भी पाकिस्तान को एक अलहदा वजूद में लेकर आना, और फिर 200 साल की गुलामी के बाद एक अलहदा खत्ते जमीन अपने लिए हासिल करना, तो उसमें कितनी मेहनत और कितनी अर्क रेजी हमारे जो अबाओ अजदाद हैं उनकी शामिल रही होगी। इस बात को जरूर पेश नजर रखिएगा कि ये एक दिन में नहीं सोचा कि हाँ हमने पाकिस्तान बनाना है और अगले दिन ही बन गया, ऐसा नहीं है। इसमें 200 साल की जो जदोजहद है वो शामिल है और हमारे जो मुस्लिम अकाबिर थे यानी जो बड़े अजीम रहनुमा थे वो इस पर गौर फिक्र कर रहे थे, बड़े अरसे से सोच रहे थे, और फिर सोचने के बाद उन्होंने इसे अमली जमा पहनाने का सोचा और अमली जमा यानी इसको ताबीर में लाने का सोचा। तो ताबीर में भी ये एक दिन में नहीं आ गया बल्कि इसमें बरसों की मेहनत शामिल रही और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपनी जानो माल का नजराना पेश किया, तो फिर ये वजूद में आया। तो इसलिए पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है और क्योंकि हमने इस्लाम के नाम पे ये अलहदा खत जमीन हासिल किया, तो हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम इस्लामी असूलों को पेश नजर रखें ताकि जो पाकिस्तान हमने इस्लाम के लिए हासिल किया वहां पर वाकई इस्लाम की ही अजारादारी जो है वो कायम होनी चाहिए। तो इस बात को पेश नजर रख के चलिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। आप सभी पेंसिल अपने हाथ में पकड़िएगा, मेरे साथ साथ पढ़ते रहिएगा ताकि तलफ्फुज़ जो है वो भी आप पर वाज़े हो जाए और साथ साथ मानी भी लिखते रहिएगा। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है। रवादारी का मफहूम आप सबके सामने है, एक जैसा बर्ताव, बेतासुबी। शेवा तरीका है, अंदाज है इसका माने, लेकिन जब कुफ्रो इल्हाद गलबा हासिल करना चाहता है, कुफ्र का मतलब है वो लोग जो अल्लाह ताला को मानने से इनकार कर देते हैं, ये यानी जो अल्लाह ताला के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते। और इल्हाद से मुराद ये है कि वो लोग जो कहीं ना कहीं इस्लाम कबूल कर चुके होते हैं लेकिन फिर जाते हैं। इन लोगों के लिए लफ्ज मुर्तिद भी इस्तेमाल हुआ है, यानी दीन से फिर जाने वाले। तो मुसलमान उसके मुकाबले के लिए डटकर खड़ा हो जाता है, डटकर साबित कदमी के साथ। अब अगर हम पहली लाइन का मफहूम वाज़े करें तो कुछ इस तरह है कि आप सब ने भी कहीं ना कहीं अपने मुताला पाकिस्तान में इस हवाले से पढ़ा है कि मुसलमानों ने बरसगीर पर एक तवील अरसे तक हुकूमत की, और तवील अरसे के तक जब हुकूमत की तो वहां पर सब मुसलमान ही नहीं थे बल्कि हिंदू भी वहां वासी अक्सरियत के साथ मौजूद थे। तो मुसलमानों ने कोशिश ये की कि रवादारी का रवैया रहे सबके साथ, जहां मुसलमानों को जो हकूक हासिल है बिल्कुल वैसे ही बराबर के हकूक जो हैं वो हिंदुओं को भी हासिल रहे, तभी अगर मुनसिफाना बर्ताव करेंगे तो ही हुकूमत जो है वो चल सकेगी। तो इसी तरीके को उन्होंने अपनाया। और फिर ये बात भी पेश नजर रखनी चाहिए कि जब जहां लगता है कि इस्लाम को लोग मिटाने वाले पैदा हो रहे हैं या मुसलमानों के खिलाफ लोग पैदा हो रहे हैं, तो फिर मुसलमान जो है उनके लिए मुकाबला करने के लिए भी डटकर खड़ा हो जाता है, यानी जिहाद का जो हुक्म दिया गया फिर उस पर भी वो अमल करके
दिखाता है। तो यहाँ पर अगली लाइन में देखते हैं कि बादशाह अकबर यानी जलालुद्दीन अकबर की बात हो रही है कि बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आजादी खून उनके दीनी मामलात में भी खत्म हो गई थी। बेचा नाजायज, रवादारी ऊपर हमने पढ़ा और अमल दखल का मफहम है इख्तियार, राइज हो गए रिवाज पा गए। तो अगर हम इस लाइन का मफहम समझें तो कुछ इस तरह बात हमारे सामने वासियों के सामने आती है कि ठीक है बाकी मुसलमान बादशाहों ने भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को बराबर के हकूक दिए लेकिन जलालुद्दीन अकबर ने कुछ ज्यादा ही रवादारी का मुजाहरा कर दिया, बल्कि ये कहा जाए कि नाजायज रवादारी का मुजाहरा कर दिया तो दुरुस्त होगा। और क्या हुआ कि फिर हिंदुओं ने मुल्की सियासत में इख्तियारात हासिल करने शुरू कर दिया। आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा हत्ता कि उसने एक हिंदू लड़की से शादी भी की थी। तो फिर जाहिर है कि जब हिंदुओं का अमल दखल शामिल होने लगा मुल्की सियासत में तो उन्हें इख्तियार जब मिल गया तो उन्होंने अपने तौर तरीके जो है वो राइज करने शुरू कर दिए। तो नतीजा क्या हुआ कि दीनी मामलात में जो मुसलमानों की आजादी थी वो खत्म होना शुरू हो गए और किसी हद तक काफराना जो तौर तरीके हैं वो राइज होना शुरू हो गए। चुनाचे इसे ज़हन में रखिएगा, हमने चुनाचा नहीं पढ़ना है। चुनाचे अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सर बुलंदी के लिए हजरत मजदद लफसानी खड़े हुए। आपने जहांगीर के जमाने में महज दीन की खातिर कैदोबंद की सख्तियां झेली और इस्लामी कदरों को नए सिरे से फरोग दिया। अच्छा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई नंबर लिखा हुआ था सर्कल में तो इसका मतलब होता है कि हाशिए में इसकी वजाहत कर दी गई है। तो अगर हम हाशिए में देख लें तो यहाँ लिखा हुआ है मजदद अलफसानी के हवाले से कि 1564 में वो पैदा हुए और 1624 में उन्होंने वफात पाई है और नक्शबंदी सिलसिले की एक अहम शख्सियत है। आपको मालूम है कि मुसलमानों में कई तरह के फिरके मौजूद हैं तो ये सिलसिला नक्शबंदी से ताल्लुक रखते थे। तो जाहिर है अभी ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन में पढ़ा कि जहां कहीं लगता है कि मुसलमानों के दीनी मामलात में आजादी खत्म हो रही है या मुसलमानों के खिलाफ जो है लोग ज्यादा तंग करना शुरू हो गए हैं तो फिर कहीं ना कहीं मुसलमान जो है उनके खिलाफ उठकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, हजरत मुजद्दद अलफ सानी जो है वो खड़े हो गए और किस में वक्त अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, यानी इस्लामी जो कानून थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे थे, उन्हें बुलंद करने के लिए, उन्हें दोबारा से राइज करने के लिए हजरत मुजद्दद अलफ सानी जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने इस्लामी अकदार को नए सिरे से फरोग दिया, यानी उनकी तरक्की देना उन्हें शुरू कर दिया। जो इस्लामी अकदार खत्म हो रही थी उन्हें दोबारा से बढ़ावा दिया। उनके असर से शाहजहां और उसके बाद उनका बेटा औरंगजेब दीन का खातिम बना। अब चूंकि एक बुजुर्ग थे और बल्कि हम वली के हैं तो कुछ गलत ना होगा, तो नतीजतन उन्होंने जो कोशिशें शुरू की थी उसका असर होना शुरू हुआ और शाहजहां और उनका जो बेटा था औरंगजेब वो फिर इस्लाम की तरफ माइल हुए, यानी जो जलालुद्दीन अकबर है उसके बाद जो बादशाह है तो उन्होंने फिर इस्लामी तरीकों को अपनाया और ना सिर्फ अपनाया बल्कि उन्हें राइज भी किया। लेकिन औरंगजेब के बाद ही उनके बेटों के बाहमी नफाक और कमजोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का सवाल शुरू हो गया। यकीनन तख्त जो है वो अपने अंदर एक लालच भी रखता है, ख्वाहिश भी रखता है, तो बिल्कुल यही हुआ। एक बादशाह के कई बेटे थे तो औरंगजेब के बाद जब उसके बेटे और बेटों में इक्तदार की जंग चली तो आपस में जाहिर है नाइतफाकी भी पैदा हो गई और जब नाइतफाकी पैदा हो गई तो लोगों ने फिर इसका फायदा भी उठाना शुरू कर दिया और मुगलिया सल्तनत जो है वो जवाल पसीर होना शुरू हो गई। और इसके बारे में हमने पढ़ा है और आपको याद होगा क्लास 9 पे हमने एक बहादुर शाह जफर की एक गजल जो है वो भी इस हवाले से पढ़ी। तो चूंकि गलत तरीके कहीं ना कहीं रवाज पा रहे थे, अगरचे हजरत मजद्दद अलफसानी ने इस हवाले से कोशिशें की और शाहजहां उनके बेटा औरंगजेब जो है उन्होंने भी कोशिशें की, लेकिन कहीं ना कहीं
अपनी जो रस्म रवाज जड़े पकड़ चुके थे उन्होंने अपना असर दिखाना शुरू किया और कुछ इकतदार का जो लालच था उसने मुगलिया सल्तनत को बिलाखिर खात्मे की तरफ लगा दिया। मरहटों और हिंदुओं के कई ग्रोहों ने सर उठाया। तो मरहटों कौम का नाम है, हिंदुओं के बारे में आप जानते ही हैं। तो उनके कई ग्रोह जो हैं वो उभर कर सामने आने लगे। जब आपस में कमजोरी फैल जाए तो दूसरे लोग भी कोशिश करते हैं कि अब इक्तदार इनसे छीन कर हम अपने कब्जे में कर लें। अंग्रेजों ने भी कदम जमाए, यानी अंग्रेजों ने भी कब्जा करना शुरू कर दिया और मुल्क में क्या हुआ, इंतशार फैल गया, अफरा तफरी, परेशानी। और इससे हम मुराद ये भी लेंगे कि जिसके हाथ जो आया वो लगा और उन्होंने उस हिस्से पर अपना कब्जा जो है वो जमा लिया। लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात में भी कौम को फरोख देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। जाहिर है कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी दीन पर कारबंद थे और चाह रहे थे कि इस्लाम का बोलबाला हो, तो वो भी कोशिशों अपनी कोशिशों में लगे हुए थे कि मुसलमान दोबारा से बतौर एक कौम के उभर कर सामने आए, बतौर एक ताकत के उभर कर सामने आए। चुनाचे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेजों का मुकाबला किया बल्कि अफगानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। तो इसमें जो लोग अंग्रेजों और हिंदुओं के खिलाफ उठ खड़े हुए थे उनमें एक नुमाया नाम है सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के हवाले से, और इन्होंने उनके खिलाफ डटकर मुकाबला किया और कोशिश की कि इर्द गिर्द के जो दूसरे हुक्मरान है वो भी इनके साथ शामिल हो जाए, और वहां पर इन्होंने अपने वफूद भेजे, उनसे मदद मांगी, लेकिन अफसोस के किसी मुल्क ने इनका साथ ना दिया। हत्ता के जो मुल्क में दूसरे सरदार थे जो किसी ना किसी इलाके पर हुकूमत कर रहे थे उन्होंने भी साथ ना दिया, और फिर यही हुआ कि इन्हें कामयाबी हासिल ना हुई और फिर उनके अपनी फौज के गद्दारों ने भी इस नाकामी को बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा किया। तो जिन ममालिक से इन्होंने मदद मांगी उसमें अफगानिस्तान शामिल है, तुर्की शामिल है और फ्रांस जो है वो भी शामिल है। जी, तो अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और अगले पैराग्राफ में कुछ यूं है, उसी जमाने में शाह वली उल्लाह दहलवी। तो यहाँ फिर नंबर दो लिखा हुआ है, तो इस नंबर दो को हम यहाँ वासे कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, शाह वली उल्लाह दहलवी जो है 1703 में पैदा हुए और 1763 में इन्होंने वफात पाई। आलम दीन है, मुहद्दिस है और मुस्लिह है। मुस्लिम का मफहूम होता है इस्लाह करने वाले, मुहद्दिस कहते हैं अहादीस की किताबें तहरीर करने वाले, और उनके साहिबजादों ने मुसलमानों की अखलाकी और माशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू की। फिर उनके पोते शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इस्लामी उसूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से आजाद कराने की कोशिश में 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो आपने पहले एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ा कि वो उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी कोशिशें की, और उसी जमाने में फिर शाह वलीउल्लाह थे और इनका नाम बहुत मशहूर है, आप सब जानते भी हैं इन्हें। तो ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनके बेटों ने भी मुसलमानों में जो बुराइयां फैल चुकी थी अखलाक एतबार से और मौशती एतबार से, तो उन्हें दूर करने की कोशिशें जो है वो शुरू कर दी। अब भी अगरचे हम अलहदा मुल्क हासिल कर चुके हैं लेकिन अब भी हिंदुओं की कई रस्में जो हैं वो हमारे यहाँ राइज हैं और आप सभी इसको बड़े अच्छे अंदाज में जानते हैं, जैसे जहेज की एक रस्म है। इसके अलावा शादी में जो मुख्तलिफ किस्म के रिवाज उरूज में आ गए हैं वो भी हिंदुओं के साथ रहने का ही असर है, वरना अगर मुसलमानों के यहाँ शादी की रस्म देखी जाए तो बहुत सादगी से अंजाम पाती है, और ये जो मायों हैं, मेहंदी है, इस तरह के रसूमात जो है मुसलमानों की शादियों का हिस्सा नहीं रही है, लेकिन चूंकि हम हिंदुओं के साथ रहे हैं तो इन बुराइयों का हम भी शिकार हो गए हैं। तो इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश की, और उनके बाद उनके पोते शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने उनके अपने मुर्शिद से मुराद ये है कि उस्ताद जिनसे उन्होंने सीखा सैयद अहमद बरेलवी, इन्होंने भी यही कोशिशें कि यानी वक्तन फोक्तन उस दौर में मुख्तलिफ लोगों को इस बात का एहसास होता रहा कि बुराई और मौशरती खराबियां जो है मुसलमानों में रिवाज पा रही हैं तो इनको खत्म करना है। तो इस बात को एहसास दिलाने के लिए मुख्तलिफ जो वली हैं वो सामने आते रहे, और इस सिलसिले में
1831 में उन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी मुल्क को गुलामी से आजाद कराने के लिए। यानी अंग्रेजों ने इकतदार कहीं ना कहीं अपना जो है वो कायम कर लिया था। ताहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और वलवला पैदा कर दिया था। यानी किसी हद तक उनकी कोशिशें रंग लाई और मुसलमानों में इस बात का एहसास पैदा हो गया कि कौम जो खराबी की तरफ जा रही है इसे खत्म करना है और दोबारा बतौर एक ताकत बतौर एक कौम के तौर पर उभरना है और इकतदार को दोबारा हासिल करना है। चुनाचे 1857 की जंगे आजादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की। 1857 की जंगे आजादी के बारे में आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, लेकिन चूंकि ये जो जंग है ये उस पूरे मुनज़म तरीके से नहीं लड़ी गई, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे छोटी छोटी टोलियों की सूरत में जंग लड़ी गई। फिर इससे पहले हिंदू तो बाकायदा हमारा साथ देने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो भी इक्तदार की ख्वाहिश रखते थे और वो चाह रहे थे कि अंग्रेज जो है जिन्होंने कब्जा किया वह है वो इस मुल्क से चले जाए, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने भी मुसलमानों को साथ नहीं दिया और मुसलमानों को अकेले ये जंग लड़ना पड़ी। और के आप ये देखिए कि 1757 से 1857 तक 100 साल गुलामी में गुजर चुके थे, तो मुसलमानों के पास चूंकि तालीम ना होने के वजह से इन्हें ना तो बड़े ओहदे मिले थे और ना ही ये नौकरियों पर अच्छी नौकरियों पर ये काम कर रहे थे। तो नतीजा ये हुआ था कि इनके पास सरमाए की भी कमी थी और अंग्रेजों ने बहुत हद तक बहुत कुछ इनसे छीन लिया था क्योंकि अंग्रेज ये समझ रहे थे कि हुकूमत हमने इनसे छीनी है तो ये हमारे ज्यादा मुखालिफ है, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह भी मुसलमानों को कुचल दिया जाए ताकि ये दोबारा ना उभर सके। उन्हें भी मुसलमानों के जज्बे जिहाद के हवाले से कहीं ना कहीं एक खौफ जो है वो मौजूद था और वो समझ रहे थे कि अगर इनके अंदर जज्बे जिहाद की रूह दोबारा से उभर कर सामने आ गई तो फिर हम नहीं बच पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को हर तरह से कुचलने की कोशिश की। तो मुसलमानों ने जो ये इनफरादी कोशिश की और कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन इन अंग्रेजी इक्तदार मुस्तहकम हो चुका था, 100 साल गुजर गए थे अंग्रेजों को इक्तदार में आए हुए, तो वो मजबूत हो गए थे इसलिए उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। उसी जमाने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेजों से मफाहमत को गनीमत जाना और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी। तो उस जंग के बाद मुसलमानों को और ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा जहां जहां अंग्रेजों को महसूस हुआ कि यहां से उन्होंने इसीलिए इस जंग को गदर का नाम दिया और जहां जहां उन्हें महसूस हुआ कि यहां से ये दोबारा जो है मुसलमान उठ सकते हैं तो उन्होंने वहां पर तबाही और बर्बादी जो है फैला दी। मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और मजीद उनसे जो थोड़ा बहुत सरमाया और ताकत थी वो उससे उन्हें महरूम कर दिया गया। चुनाचे सर सैयद इस दौर में उठ खड़े हुए और उन्होंने मुसलमानों को वक्ती तौर पे ये समझाया कि मजबूरी में हमें मफाहमत जो है वो कर लेनी चाहिए। मफाहमत का मफहूम है समझौता, गनीमत जाना काफी समझा। चूंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि मुसलमानों में बहुत सारी खराबियां फैल चुकी हैं और मुसलमानों के लिए अभी मुमकिन नहीं है कि एक कौम के तौर पर उभर कर सामने आए, तो नतीजतन उन्होंने मुसलमानों को ये बात समझाने की कोशिश की कि अभी हमें इनके साथ समझौता कर लेना चाहिए, इनकी हुक्मरानी को कबूल कर लेना चाहिए और साथ साथ अपनी अखलाकी और तहसीबी इस्लाह पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इस्लाह का मतलब है दुरुस्ती। तो अब हम हैं पेज नंबर 23 के ऊपर और यहाँ पढ़ रही हो आप अपनी किताबों के इस पेज की तरफ आ जाइए। और उनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश भी की। यानी मुसलमान चूंकि 100 साल की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे थे तो और क्योंकि उनके पास ओहदे भी नहीं थे, नौकरियों से भी महरूम थे और उनके पास सरमाए भी नहीं थे, तो इस वजह से उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो गया था, तो उसको भी उन्होंने दूर करने की कोशिश की। क्योंकि जब कोई इंसान एहसास कमतरी में मुबतला हो जाता है तो एक मजबूत और ताकतवर इंसान के तौर पर उसके लिए सामने आना सिर्फ मुश्किल हो जाता है। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली। मैंने अभी पहले जिक्र किया कि हिंदू भी इस दौड़ में शामिल थे, वो भी चाह रहे थे कि अगर इक्तदार अब मिले किसी को अंग्रेजों के बाद तो वो हमारे हिस्से में आए, तो उन्होंने अपनी एक बाकायदा तंजीम की बुनियाद डाल दी कांग्रेस, और इसके हवाले से आपने भी पढ़ा हुआ है। जाहिर ये किया कि ये मुल्क की तमाम कौमों को उनके हकूक दिलवाएंगे
तो उन्होंने कोशिश ये की कि सबको ये बताया जाए कि ये जो उन्होंने तंजीम कायम की है ये मुल्क में जितने भी कौमें रहती हैं उन सब की नुमाइंदा जमात है। लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हकूक का तहफ्फुज चाहते थे। तहफ्फुज का मतलब है हिफाजत, यानी जाहिर है जब इंसान कुछ काम कर रहा होता है तो साथ साथ उसकी नियत भी वासियों के सामने आ जाती है। तो यहाँ भी बाद में लोगों पर ये बात वासे होना शुरू की कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जमात है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुसलमानों को उनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की और वो सरकारी मुलाजमतों पर भी काबिज हो गए। हिंदू बज़ाहिर देखा जाए जो उनका उस कौम का मुशाहिदा करके बात सामने आ जाती है कि शातिर कौम है, बनिया कौम है, तो चूंकि वो जल्दी से हालात को भांप गए और चूंकि एक डरपोक कौम भी है इसलिए वो जल्दी समझौता कर लेते हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ एक तो खुशामद की अंग्रेजों की और दूसरा ये कि उन्होंने अंग्रेजी जुबान को हासिल करना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि सरकारी मुलाजमतें जो उस वक्त सामने आई उस पर उन्होंने चूंकि वो जुबान सीख ली थी इसलिए उन्हें फौकियत मिल गई और उस पर वो जो है ओहदे हासिल कर लिए। साथ साथ उन्होंने कोशिश की कि मुसलमान जो कारोबार कर रहे थे उससे उनको महरूम कर दिया जाए। नीज उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका जुबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। तो जहां जहां उर्दू जुबान राइज थी वहां वहां उन्होंने हिंदी को राइज कर दिया, यानी मुसलमानों का एक जो बड़ा असासा था जुबान के हवाले से उसे भी उन्होंने महरूम करना शुरू कर दिया। तो एक सोची समझी साजिश थी जो हो रही थी कि मुसलमानों को हर तरफ से अलहदा करके अकलियत में तब्दील कर दिया जाए। ससैया ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और उनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की। ससैया फौरन इस बात को भांप के और उन्होंने मुसलमानों को ये बात समझाने की कोशिश की कि हमें कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनना है और हिंदू जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं हमने इससे अलहदा रहना है। और उनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्ला अलैह ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। तो ससैयद के साथ उनके दोस्त भी शामिल थे, मौलाना मोहम्मद कासिम है, और देवबंद में उन्होंने मुसलमानों की तालीम के लिए एक इदारा जो है वो कायम कर दिया। फिर ससैयद के एक रफीक नवाब वकारुल मुल्क ने 1906 में कुल हिंद मुस्लिम के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। आप ये सोचिए कि हिंदू कितने समझदार थे और कितना अरसा पहले, यानी तकरीबन 21 साल पहले उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि एक तंजीम की जरूरत है और उन्होंने उसे कायम कर लिया। और मुसलमान थोड़ा देर से जागे और 1906 में उन्होंने फिर मुस्लिम लीग के नाम से एक जो मुसलमानों की तंजीम की बुनियाद थी, जमात की बुनियाद थी, वो डाली। ये तंजीम ढाके में कायम हुई और जहां हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को ज़िक पहुंचाने के लिए मशरकी बंगाल और असम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी खत्म करा दिया। अच्छा, ना सिर्फ अंग्रेज ये चाह रहे थे कि मुसलमानों को कुचल दिया जाए, वहां हिंदू भी साथ साथ उनके शरीक थे और जहां जहां उन्हें अक्सरियत नजर आ रही थी वहां वहां वो कोशिश कर रहे थे कि उन इलाकों को की अक्सरियत को किसी तरह खत्म कर दिया जाए। तो उसका एक हल ये सोचा उन्होंने कि जो बंगाल, मशरकी बंगाल और असम जो है वो एक सूबा बना हुआ था तो उन्होंने उसको खत्म करा दिया, यानी दो हिस्सों में बांट दिया। तो मुसलमानों की जो अक्सरियत थी वो कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बट गई। ज़िक पहुंचाने का मतलब है नुकसान पहुंचाने का। और फिर 1911 में इस इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया। बहरहाल 1911 में वो दोबारा एक जो सूबा है वो बन गया। अच्छा, यहाँ तक हम खत्म करते हैं और एक बार दोबारा दोहरा दूं कि हम नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से पढ़ रहे हैं और नज़रिया पाकिस्तान में चूंकि एक सोच जो एक तवील अरसे तक मुसलमानों के जहनों में चलती रही उस हवाले से बयान किया गया है, तो साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी जो जुदोजहद है उसको भी सामने पेश किया गया। और गुलाम मुस्तफा खान ने इस सबक को तहरीर किया है, इसमें उन्होंने शुरू से इस बात को बयान करने की कोशिश की है कि कहां से मुसलमानों में खराबियां पैदा होनी शुरू हुई और किस तरह वो अपने 1000 साल जो इकतदार है जो हिंदुस्तान में उन्होंने किया उससे वो महरूम हो गए। और चूंकि
उन्होंने कमजोरी दिखाना शुरू की तो दूसरे लोगों ने उनपे गलबा हासिल कर लिया और उसमें हिंदू तो पेश पेश ही थे लेकिन दूसरे कौमों ने भी आकर वहां पे इक्तदार अपना कायम कर लिया और उसमें अंग्रेज जो है वो सबसे आगे थे, उन्होंने अपना इक्तदार कायम किया। और फिर चूंकि जल्द ही जो मुस्लिम अकाबिर हैं उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि मुसलमान खराबियों की तरफ जा रहे हैं और नतीजतन लोग इन्हें मिटाने पे तत्पर हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिशें जो हैं वो फिर से शुरू कर दी ताकि मुसलमानों की जो खराबियां हैं अखलाकी तहजीबी मौशती उन्हें दूर किया जाए और मुसलमानों को बतौर एक कौम के दोबारा से ताकत के हवाले से सरफराज किया जाए। और इसमें उनकी मुख्तलिफ कोशिशें शामिल थी जिसमें हज़रत मुजद्दद अली फ़सानी का जिक्र मौजूद है, उसके बाद शाह वलीउल्लाह दहलवी है, उनके साहबजादे हैं, पोते हैं शाह इस्माइल और मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी हैं, सर सैयद अहमद खान हैं, फिर उनके दोस्त हैं मौलाना मोहम्मद कासिम हैं, फिर नवाब वकारुल मुल्क हैं जिन्होंने वक्तन फोक्तन कोशिशें की। तो बाकी जो है वो अब हम कल पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयरिंग खत्म करती हूँ, तो साथ ही आप मुझे बताइएगा कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई, साथ साथ मुझे आपके लिए नहीं है अटेंडेंस।